मेरा नाम चिन्मय मराठे है। मैंने नवंबर 2017 में सीए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया है। मुझे 85 मार्क्स थे एसएफएम में। मैं आज आपको मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी वो बताने जा रहा हूँ, और आप नॉट नेसेसरीली एसएफएम को पर दूसरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी ये अप्लाई कर सकते हो, और थियोरी को भी इवन आप ये टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि शॉर्ट नोट बनाना और ये सब थिंग्स। तो आपको पहली पहली दफ़ा तो आपको पदुका लगेगा अपने एसएफएम के लिए। मैंने पदुका में से प्रिपेयर किया था। आप पीएम भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ों में, मतलब दोनों पदुका और पीएम एज गुड एज सिमिलर ही है। सिर्फ पदुका में वो अटेम्प्ट्स मिडटर्म्स के आरटीपी के क्वेश्चंस और ये सब चीज़ें इलस्ट्रेट करके दी होती है कि कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। आपको 5 अटेम्प्ट का प्रीवियस और करंट आरटीपी भी लगेगा। मैंने उसमें से भी प्रिपरेशन किया था लास्ट मंथ में। प्रीवियस अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर में से भी मैंने पढ़ाई की थी। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पहले तो प्लान करना है कि आपको जो आपके पास रिमेनिंग पीरियड, इसमें आपको कितने बार एसएफएम रिवाइज करना है। मुझसे पूछोगे तो 4 to 5 टाइम इज इनफ फॉर एसएफएम, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं पीएम और पदुका दोनों में भी। प्रिपरेशन के लिए 3 महीने आई गेस सफिशियंट है, अगर आप 3 घंटा रोज पढ़ते हो तो। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ जो मैंने फॉलो की ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। वो थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट और सेकंड सॉल्विंग में ही मार्क कर दी थी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो। और फिर थर्ड में, फ्रॉम थर्ड रिवीजन मैंने उनको, जो अनमार्क्ड थे उनको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट मार्क किया था उनको भी, उनको ही सॉल्व किया था। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मैंने थियरी नहीं की थी, मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस किया था एसएफएम का, ऐसा समझ के कि पेपर 6 क्वेश्चन का ही आने वाला है, क्योंकि थियरी करने के लिए मुझे, मेरे पास टाइम भी नहीं था। और थियरी वो मतलब एज कंपेयर टू कॉस्टिंग, एसएफएम की थियरी थोड़ी सी हार्ड होती है और थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती है। तो आप चूज कर सकते हो, मतलब थियरी अगर आपको अच्छी जा रही तो आप एसएफएम की थियरी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मेन थिंग इज डोंट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप कुछ भी ऑप्शन में छोड़ोगे तो वो एग्जाम में आने ही वाला है, ऐसे समझ लेना। बैड लक रहता है, सबको पता है। हाँ, ओन नोट्स आपको बनाने हैं एसएफएम के, जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको जो समझ आएगा वो कंसेप्ट में, वो आप एक नोटबुक ऐसी खरीद के 100 पेजेस वाली में पार्टीशन करके, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 30 30 पेजेस इनफ हो जाते हैं, तो उसमें कंसेप्ट आप लिख लेना, बाद में आपको रिवीजन करते हो बहुत हेल्पफुल होगी। फॉर्मूला जैसे फिर में पोर्टफोलियो के, वो आप लिख लेना साइड में एक, मतलब चैप्टर वाइज नहीं पर थोड़ी थोड़ी, मतलब आप बीच बीच में भी कर सकते हो, ऐसा नेसेसरी नहीं, बहुत ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, पर नोट्स होना जरूरी है बेसिकली। और वो कंसेप्ट जो आपने पढ़ी है वो एक्सप्लेन करना भी जरूरी उतना ही, क्योंकि फ्यूचर में आपको नोट्स देख के ऐसा नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि मैंने तो लिखा था पर अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो एक्सप्लेन कीजिए इलस्ट्रेटिवली जब टाइम है आपके पास, तब। लास्ट मंथ में ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो प्रेजेंटेशन इतना ध्यान नहीं देता अगर आपका आंसर ठीक हो। मेरा पेपर देखोगे आप तो प्रेजेंटेशन बहुत ही बकवास था, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, पर मतलब मैंने आंसर जो भी लिखा था वो परफेक्ट लिखा था, इसलिए मुझे आई गेस मिले हैं, उनको सजेस्टेड से मैच हुआ है, इसलिए मुझे 85 स्कोर करने में उतनी आसानी हुई, क्योंकि वो लोग प्रेजेंटेशन को सेकेंडरी ये देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो थियरी के लिए मे बी इम्पोर्टेंट होगा, प्रैक्टिकल के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व नहीं करना है पढ़ाई के वक्त। फर्स्ट और सेकंड सॉल्विंग में जो हो जाएगा, अगर क्लास में भी पीएम ले रहे हो आपके तो अच्छा ही है, पर
मतलब फर्स्ट और सेकंड सॉल्विंग में आप सिस्टमेटिकली करो रफ पेपर पे सॉल्व करके, बाकी के थर्ड ऑनवर्ड रिवीजन आपको सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है, सब कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करना। इट विल सेव यू टाइम एंड मतलब आपकी कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगी, शॉर्ट टाइम भी लगेगा और आप नंबर ऑफ रिविजन्स भी उतना बढ़ा सकते हो कैलकुलेटर पे किया तो, क्योंकि राइटिंग स्पीड एक बार प्रेजेंटेशन आपको पल्ले पड़ा कि कैसा प्रेजेंट करना है तो राइटिंग स्पीड अपने आप मैच होती है, थिंकिंग स्पीड उतनी ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। मेरे आईपीसीसी में एक सर थे, वो हमेशा कहते थे कि मार्क्स को 1.6 से मल्टीप्लाई करने का, उससे क्या होता है कि लास्ट में अपने को अपने पास 20 मिनट्स का स्पेयर टाइम बच जाता है। वो 20 मिनट्स में क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन 1.6 मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, अगर 5 फॉर एग्जांपल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 × 1.6 मतलब वो 8 मिनट में आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वो ले रहा है तो डोंट गेट इन टू दैट ट्रैप, लीव दैट क्वेश्चन बिहाइंड एंड स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, इट विल अर्न यू मोर मार्क्स। और बाद में आप जो छोड़ा है आपने उसमें, उस वक्त आप एक दो पेज ये छोड़ देना ब्लैंक, और बाद में जो 20 मिनट्स बचेंगे उसमें वो अटेंड कर लेना। क्रॉस चेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इट इज पॉसिबल। लीजिंग में, कैपिटल बजटिंग में, सेंसिटिविटी एनालिसिस में आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें। मैंने किया था नवंबर 17 के पेपर में, लीजिंग का एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने जो लीज का एक्स वैल्यू आया था मेरे इसमें से, वो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट ऑन करके देखा था वो आ रहा है कि नहीं। मतलब वो आपको श्योरिटी भी देता है और फिर से आपको मतलब सिली मिस्टेक भी आपकी अवॉइड हो जाती है। हाँ, एजम्पशंस, जो भी आप एज्यूम करोगे कितना भी छोटा एजम्पशन हो आप जरूर लिखना, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो आपके थिंकिंग में से ही, मतलब आपके वेवलेंथ में ही थिंक कर रहा होगा कि आपने जो एज्यूम किया है उसको सुओ मोटो मतलब समझ जाएगा। आप लिख लेना और इट विल सेव यू मार्क्स, क्योंकि आपने अगर एजम्पशन नहीं लिखा तो वो ऐसा एज्यूम कर सकता है कि आपने गलत सॉल्व किया है। तो आप इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट एन एजम्पशन वेर एवर यू आर मेड वन। आरटीपी और क्वेश्चन पेपर आप एग्जाम के प्रिपरेशन के लास्ट मंथ में करना, उससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि एकदम से क्वेश्चन आने के बाद खुद को माइंड कैसा कंपोज रहना चाहिए, और सॉल्विंग में उतनी मदद होगी। और उसमें भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, सब नहीं मार्क करना, जो फालतू के क्वेश्चन रहते हैं छोटे छोटे और इजी वाले वो छोड़ देना, पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर मार्क करना, और एग्जाम के पहले दिन मतलब जो प्रिपरेशन को मिलता है उसमें वो रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पिछले अटेम्प्ट में से जो क्वेश्चन है वो आपके अटेम्प्ट में भी आते हैं। नवंबर 17 इज अ ह्यूज एग्जाम्पल फॉर दिस। हाँ, और पेपर अगर इजी आया मतलब आपको अगर सॉल्व करते आ रहा होगा फुल, तो एग्जाम हॉल में डोंट डोंट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट आफ्टर 1:30, इट विल कॉस्ट यू मोर मार्क्स। अगर आप हैप्पी हो जाते हो एग्जाम हॉल में, कूदने लगते हो, तो आप मतलब कोई भी सिली मिस्टेक का आप करने वाले डेफिनेट है। जस्ट मतलब अगर इजी भी हो, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व भी करते आ रहा हो, तभी आप कंपोज माइंड के साथ शांति से वो सॉल्व करना, क्योंकि क्योंकि वो ऐसा मतलब अपना दिमाग में वो रहता है कि पेपर इजी है तो मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला हूँ, और उधर ही गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो बस इतना ही मेरे ख्याल से था इम्पोर्टेंट। बस ये ध्यान में रखना, आप आपके लिए, खुद के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए सीए कर रहे हो, सो कंप्लीट योर ड्रीम्स, स्टे पॉजिटिव, डोंट कंप्लेन, डोंट कंपेयर, बी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।